तो यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स. वल्लाह आई एम टेलिंग यू दिस, जब तक आप ब्रेव कदम नहीं उठाएंगे, दिलेर बंदा ही चेंज हो सकता है, वो और कोई चेंज हो सकता है. सो व्हाई यू सो रूड, व्हाई यू स्टक अप. अच्छा फिर ताने, किसी का इंसान का दिल दुखाना अच्छी बात है क्या? ये तो मैं दीन सिखाता है. और ये आजकल बहुत से लोगों का इशू है कि यार दिल तो नहीं तोड़ सकता, अभी कैसे तोड़ें? अल्लाह को नाराज कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है. तो यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स. वल्लाह आई एम टेलिंग यू दिस, जब तक आप ब्रेव कदम नहीं उठाएंगे, दिलेर बंदा ही चेंज हो सकता है, वो और कोई चेंज नहीं हो सकता. जो बंदा समझता है ना कि बस लोगों में रहूं और लोग मुझे, मतलब कोई मुझे ताना ना दे, कोई मुझे, लोगों ने बड़ी बातें भी की कि इसको देखो ये मौलवी हो गया है, ये फेक कर रहा है, या ये कर रहा है, या वो कर रहा है, ये बंदा मौलवी हो सकता है. मुझे लोग कहते हैं कि सब दुनिया मौलवी हो जाएगी, तू मौलवी नहीं हो सकता. और लोग कहते हैं बस बस हमें पता है, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली. मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अल्लाह का तो पता है ना, मैं उसके पास जाने, जब मेरा वो दोस्त है मुझे किसी की परवाह नहीं है. लेकिन जब मेरा वो नाराज था मुझसे, चाहे हर बंदा खुश मुझसे, लेकिन दिल का सुकून मुझे नहीं मिला. क्योंकि क्या बनना पड़ता है, आपको गरीब बनना पड़ता है. यू हैव टू बी अ स्ट्रेंजर. लोग कहेंगे कि ये देखो ये कैसे लिबास पहनना शुरू कर दिया, ये देखो टखने इसके ऊपर आए. तो यू हैव टू बी स्ट्रेंजर, यू हैव टू बी अ गरीब शख्स. अल्लाह ने कहा था बदा अल इस्लाम गरीबन व सयउदू गरीबन कमा बदा. इस्लाम स्टार्टेड समथिंग स्ट्रेंज. लोगों ने कहा ये क्या दीन आ गया, ये क्या नए नए लोग आ गए. व सयउदू गरीबन कमा बदा, और ये पलट जाएगा टू समथिंग स्ट्रेंज. फतूबा लिल गुराबा, ग्लैड टाइडिंग्स, खुशखबरियां हों लोगों को जो गरीब हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं. अगर आप इस दौर में भी दीन पे आ रहे हैं ना, वल्लाह अल्लाह के नबी की बशारत है. और जो इस शख्स इस दौर पे दीन पे आता है ना, इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि वो हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह से मिलेगा. लेकिन जो शख्स इस टाइम पे अपनी लाइफ में दीन पे नहीं आया ना, तो वो अल्लाह के नबी कहेंगे सुहकन सुहकन, इसको दूर कर जाओ मुझसे. क्योंकि फरिश्ते हदीस में आता है या रसूलल्लाह ने आपके दीन को बदल दिया था. अल्लाह के नबी कैसे पहचानेंगे अपनी उम्मत को? वजू के आज़ा से. जो शख्स वजू ही दिन में दो दफ़ा कर रहा है, इस तरफ एक दफ़ा कर रहा है, जो पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ा, उसके आज़ा कैसे चमकेंगे यार? तो ये लाइफ कोई, इट्स नॉट अ खेल तमाशा, ये बहुत सीरियस चीज़ है जिसको हमने बहुत मजाक में लिया हुआ है. तो दिस वॉज नंबर वन हर्डल फॉर मी, दिस वॉज ऑब्स्टिकल, और जिसको मुझे छोड़ना पड़ा. मैंने सबको मैसेज किया कि आज के बाद आपसे कोई बात नहीं. उन्होंने कहा ठीक है पुत्र, लगता है तूने फिर मौलाना साहब का लेक्चर सुन लिया. क्योंकि मैंने दो दिन से पहले भी ऐसा किया था, सबको मैसेज करता था कि बस आज के बाद मैं छोड़ दूंगा, आप आज के बाद हमारी कोई बात नहीं होगी. उन्होंने कहा पहले तो शुरू में तो वाकई सच बोल रहा है, फिर दो दिन बाद मैं वापस चला जाता था उनके पास, तो उन्होंने कहा ये ड्रामे करता है. उन्होंने कहा ठीक है दो दिन बाद हमें पता तुम वापस आ जाओगे. लेकिन दो दिन गुजरे, तीन दिन गुजरे, चार पाँच दिन, मैं उनके मैसेज किए सब खैरियत है, सब ठीक है, हमसे गलती तो नहीं हुई. लेकिन नहीं नहीं, अच्छा व्हाई यू सो रूड, व्हाई यू स्टक अप. अच्छा फिर ताने, किसी का इंसान का दिल दुखाना अच्छी बात है क्या? ये तो मैं दीन सिखाता है. इस तरह के मैसेज वाला कि तुम हमारा दिल तोड़ रहे हो. और ये आजकल बहुत से लोगों का इशू है कि यार दिल तो नहीं तोड़ सकता, अभी कैसे तोड़ें? अल्लाह को नाराज कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है. हदीस में आता है ला तुअत अल मखलूक फी मासियत अल खालिक, मखलूक की अतात है ही नहीं खालिक की नाफरमानी में. माँ बाप का दिल भी टूट रहा हो ना, अगर वो कहें शिर्क करो, तो शिर्क नहीं कर सकते हम. अखलाक बहुत अच्छा रखना है, प्यार मोहब्बत से बात की, लेकिन शिर्क नहीं करना. तो मखलूक चाहे माँ बाप भी हैं, उनके ताद नहीं ज़रूरी जब अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो. लेकिन जिस में अल्लाह की नाफरमानी नहीं हो रही, तो फिर आप मखलूक की, माँ बाप की अताद कर सकते हैं, और लोगों की भी अताद कर सकते हैं. तो ये हर्डल, ये ट्रिक्स. तो मैंने स्कॉल से पूछा, मैंने कहा क्या मैं उनका दिल दुखाऊँ या क्या करूँ? उन्होंने कहा दिल दुखाओ, फ्री चेक है, बस बिल्कुल बात ना करो, रिप्लाई भी नहीं करना. उनने मुझे एडवाइस दी, उन्हें कहा रिप्लाई भी नहीं करना तुमने, तुम्हें 100 में से तुमने एक रिप्लाई नहीं करना. क्योंकि जब इंसान रिप्लाई करना शुरू होता है ना, फिर बात बढ़ते बढ़ते फिर वापस पैचअप हो जाता है. तो यू हैव टू टेक अ स्टेप, यू हैव टू मैसेज एवरीवन कि मैं आज के बाद, अच्छा ये पॉसिबल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप में ना दीन की तड़प नहीं जलेगी. और दीन की तड़प तब तक नहीं जलेगी जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा, जब तक आपको जन्नत की लालच नहीं होगी, जब तक आप जन्नत पे लेक्चर्स नहीं सुनेंगे, या जहन्नम पे आपको पता नहीं होगा, या अल्लाह के साथ अल्लाह का तआरुफ नहीं होगा ना जब तक,
आप ये नहीं स्टेप ले सकते। तो लेक्चर सुने यूट्यूब पे अच्छे उलमा के लोगों के मसाद में जाके उनके पास बैठें, जैसे हम भी ये लेक्चर करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि एक दिल में ना एक दीन की तड़प पैदा हो। जन्नत का कभी जिक्र करते हैं, कभी सहाबा का प्यार जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इतना कुछ किया और क्या पा लिया उन लोगों ने। और इमाम शाफी का कॉल मैं अपने आप पे फिट करता हूँ, कहते थे उहिब्बु सालिहीन वलस्तु मिनहुम, कि मुझे नेक लोगों से मोहब्बत तो बहुत है लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अल्लाह ताला हमें अपना वाकईतन नेक इंसान बनाए और बस हमें अपनी रहमत के ज़रिए पार कर दे और हमें हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब के जो भी आज तक सगीरा कबीरा गुनाह हो गए, जो भी दिल की कोताहियाँ थीं, मसाइल थे, उन सब को माफ़ कर दे और हमें अपने हबीब अपने नबी के साथ क़यामत के दिन इकट्ठा फरमाए और जन्नत में भी उनका साथ नसीब फरमाए। और जिस तरह हम सब आज इस महफिल में इकट्ठे हैं, अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ कर दे और इस ही को वसीला बनाते हुए हम सब को अल-फिरदौस अल-आला में इकट्ठा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।